इस वक्त हम औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में हैं। कष्ठा ये इलाका है। लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होनी है। यहाँ पर एनडीए से बीजेपी प्रत्याशी हैं सुशील सिंह, जो मौजूदा सांसद भी हैं, और महागठबंधन से यहाँ पर आरजेडी प्रत्याशी हैं अभय कुशवाहा। वो जेडीयू के पूर्व विधायक थे, आरजेडी में आ गए हैं और प्रत्याशी बन गए हैं। ये राजपूत बहुल इलाका है औरंगाबाद, इसको चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट करेगी, समस्याएं क्या हैं यहाँ पर, किनका पलड़ा भारी लग रहा है, जो मौजूदा सांसद हैं वो काम करते भी हैं या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र यादव हुआ। उपेंद्र यादव जी, 19 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो यही लग रहा है सर कि मोदी सरकार ने पूरा मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दी, सब कुछ बनाए हैं। वोटिंग तो बहुत बढ़िया हो रहा है उनका। तब लगता है कि बीजेपी फिर ये सीट निकाल लेगी? क्यों निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट करेंगे? गरीब, मजदूर, किसान, क्या दें ये सर आपके मुद्दे होंगे। जी। अच्छा, हमारे साथ और भी भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय यादव जी, 19 तारीख को वोटिंग होनी है, आरजेडी से अभय कुशवाहा लड़ रहे हैं, सुशील सिंह चार बार सांसद रहे, फिर से वही प्रत्याशी हैं। सुशील सिंह क्षेत्र में काम करते हैं कि नहीं? करते हैं, आते हैं, बहुत कम आते हैं। हम लोग तो आज एक दो बार देखे किए हैं उनका, न तो आज तक तो न संसद में उनका कभी हम इधर का चर्चा सुनते हैं, न दिखाते हैं, न कभी देखते हैं। एक बार दो बार आते हैं और तो देखिए क्या होता है, किनका वोट पड़ता है। अभी तो आपको कांटे की टक्कर लग रही है? अभी टक्कर ही है भाई कुशवाहा में, उनका ही में टक्कर चलेगा, बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छा, क्या समस्याएं आपकी, जब आप लोग वोट करेंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर? हम लोग अभी गरीबी अमीरी देख कर कहीं चर्चा में आवेंगे, किसका किनका देंगे, ये सब मैं तो बतावेगा, समय ही बतावेगा, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ और भी भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? पप्पू विश्वकर्मा। अच्छा पप्पू विश्वकर्मा जी, यहाँ पर आगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बनाने की कोशिश हो रही है। सुशील सिंह सवर्ण है, राजपूत जाति से आते हैं, औरंगाबाद राजपूत बहुल इलाका है, और अभय कुशवाहा जो आरजेडी प्रत्याशी हैं वो कुशवाहा समाज से आते हैं, तो क्या आगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई लग रही है? देखिए, समाज राजनीतिक अलग है, गरीब अमीरी अलग है, जो गरीब को सहायता करेगा वही नेता बन सकता है। सुशील सिंह आप लोग की सहायता करते हैं कि नहीं? सुशील साहब को तो आज तक हम देखा भी नहीं, कैसा सुशील साहब। अच्छा, विकास का काम हुआ है कि नहीं? विकास के काम जब देखे नहीं किया तो विकास का कैसा काम हो सकता है? क्या लगता है कि अभय कुशवाहा जीतते हैं तो इस क्षेत्र में काम करेंगे? अगर जीतते हैं तो अगर अच्छा काम करेंगे तो उन्हीं का वोटिंग होगा। लालू फैक्ट्री यहाँ काम करेगा कि नहीं? एक मोदी फैक्ट्री की बात होती है तो एक लालू फैक्ट्री भी बिहार में जी, इसमें तो राजनीतिक है, कोई अगला पार्टी आएगा, कोई कुछ पार्टी आएगा, इसमें तो राजनीतिक में 10 पार्टी भी आता है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, क्या माहौल लग रहा है बाबा यहाँ पे, क्या नाम है? नाम है मोनी दास। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है, 19 को वोटिंग होनी है, क्या मुद्दे हैं आपकी, क्या समस्याएं हैं? यहाँ बहुत गरीबी है, गरीबी के और साथ साथ जीत के जाते से कोई देखने लायक आते नहीं है, आते ही नहीं है, मतलब सुशील सिंह इधर नहीं आते हैं? कहाँ, चेहरे भी नहीं देखे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने सब काम किया, सड़क बनवाए, पुल बनवाए, अस्पताल बनवाए, हम लोग तो कुछ नहीं देखे हैं। पलड़ा किसका भारी लग रहा है यहाँ पर, आरजेडी की बीजेपी? यहाँ पड़ी आरजेडी, आरजेडी। अच्छा, कहा जाता है एनडीए के तरफ से कि केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, हम लोगों ने विकास के काम काफी किए, तो क्या ये दावा झूठा लगता है? ये तो हमारा झूठा लगता है, आरजेडी अच्छा है, आरजी बोले भी ना ना आता है, बोले लल्टेन छाप। हाँ भाई, बाबा 19 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे, आपकी समस्याएं क्या हैं? हमको हमारा वोट करना है, सरकार बदले, यही मुद्दा है हमारे क्षेत्र में। औरंगाबाद में 15 साल से सुशील सिंह एमपी हैं, लेकिन अभी तक इधर के जनता उनको देखे नहीं है, और विकास के बात तो दूर रही, मेन रोड में देख रहे हैं कि जरा ठीक है,
लेकिन इसके गांव वाले जाने में रोडों में कोई भी गांव में जाए तो टूटी फूटी है, गाड़ी नहीं चलती है, पैदल चलना मुश्किल है, बहुत समस्याएं हैं। कितना हम समस्याएं गिना, हम सुशील बाबू के एक बार कहें कि कम से कम परैया क्षेत्र के पूर्वी इलाका में आप आकर वहाँ के जन समस्या सुने और उनके समस्याओं को हल करें। वादा किए लेकिन अभी तक यहाँ कभी नहीं आए। पर उनसे आप लोग नाराज हैं? जी, आए भी नहीं कहते हैं तो विकास का करेंगे। तो सुशील सिंह को लेकर लोगों में नाराजगी दिख रही है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे क्या माहौल क्या लग रहा है? आप लोग भी तो वोट देते हैं। बोलिए बोलिए। माहौल तो यही है, माहौल जो भी है, न राशन कार्ड, यहाँ बहुत गरीब लोग यहाँ ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, न उनके राशन कार्ड है, न कुछ है, न वोटर आईडी कार्ड सही से बना हुआ, न बहुत चीज यहाँ बहुत विकास नहीं हुआ, रोड नहीं है गाँव में, न चापाकल की है, न कुछ भी नहीं है यहाँ। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार तिवारी। प्रधानमंत्री का ये चुनाव है, 400 पार का नारा प्रधानमंत्री दे रहे हैं, बिहार में सभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है, तो मोदी लहर नहीं है क्या लग रहा है? मोदी लहर भी है या आरजेडी भी लहर है, दोनों लहर है, दोनों। सुशील सिंह को लेके क्या आप लोग की राय? उनको तो नामे नहीं लीजिए, उनको तो नामे नहीं लीजिए, आते हैं एक दिन बस चेहरा दिखाए हैं, बीच में 10 दिन पहले, उसके बीच में कबो नहीं, खाली वोटिंग के समय आते हैं, वोटिंग दिखा देते हैं बस। आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा यहाँ टक्कर में है। जी टक्कर में है, टक्कर में। जो केंद्र सरकार कहते हैं कि हम लोग गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, जनधन खाते के तहत, जनधन योजना के तहत बैंक खाते खुले, और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया गया, बिजली पहुंचाई गई, तो इस सब का लाभ आप लोग को नहीं मिला? हम लोग को नहीं मिला, बहुत लोग के मिला है, बहुत लोग के मिला, हम लोग को नहीं मिला है भाई। जो हम लोग जो योजी में झूठा वादा है सब जी, सब जो सर बता रहा है कि जो नरेंद्र मोदी 5 किलो 10 किलो चावल दे रहा है उसके बदले 5 किलो खाद का रेट काट ले रहा है, जो 50 केजी का बैग आता था खाद का, आज जो 45 केजी का आता है, 1 किलो खाद का कीमत है 25 रुपया से समझिए 30 रुपया, 150 रुपया किसान के, मतलब जो जेन्युइन उसका मजदूरी है उसमें काट लिया जाता है। युवा है, आप लोग के क्या मुद्दे हैं? देखिए नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है, वो अच्छे नेता है, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों के लिए है सर, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। आज जो नीरव मोदी आज इतने रुपया लेके आज विदेश चले गए, विजय माल्या लेके चले गए, कहाँ है उनका? उनको इस चीज को तो रोड पे लाना चाहिए था, जब बड़े लोग को आपसे नहीं पकड़ा है तो हम लोग को कुछ है? आपको लगता है कि यहाँ पे आरजेडी का पलड़ा भारी है, इसमें कहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन अब क्या होगा नहीं होगा वो तो जनता पर डिपेंड। हीरा लाल कुमार, हीरा लाल जी किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट? हम लोग को सर रोजगार चाहिए, जितने हमारे जो गरीब लोग है, नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कम से कम 1 करोड़ भी देते सर 10,000 का ही नौकरी देते हम लोग आज नाम जाते। आप लोग भी युवा है, कि आप लोग के क्या मुद्दे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। मुद्दे क्या क्या, किसको ध्यान में रख के वोट करेंगे? ध्यान में बेरोजगारी को हटाएं, सबसे पहली मेरी बात यही है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा मुद्दा है सर, यहाँ मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, केंद्र ध्यान नहीं है। सबसे बड़ा है कि किसान पर कोई ध्यान नहीं, किसान को धान लेता है और धान के पैसा जल्दी दिया नहीं जाता है। बिहार में 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी डिप्टी सीएम थे, उनका कहना है कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। सो नीतीश 17 साल में बतौर सीएम इतना रोजगार नहीं दे पाए थे, तो उसका लाभ क्या है आरजेडी को मिलेगा? मिलना ही चाहिए। इस सब शब्दों में आता है कि आगे काम करेंगे ये काम। बोलिए बोलिए बाबा, बहुत नाराज दिख रहे हैं, बोलिए बोलिए। इधर कैमरे पे देखिए, कैमरे पे ठीक है। कष्टा हमको है, रोड नहीं बना, कष्टा हमारा कौन बनाया वाला आदमी मंत्री है? रोड नहीं बना है, नहीं बना, घूमी देखो घूम करके। सुशील सिंह यहाँ के सांसद हैं, क्या काम नहीं करते हैं? गलती सलती काहे करता है तुम लोग मंत्री? चुनाव तो लोकसभा का ना हो रहा है तो ठीक है, जो नहीं तो कम कल घर घर दे दीजिए रोड, आप मुझे हम आवेंगे वहाँ भी जाइए तो कहाँ जनगर बंद कर दिया। कौन मजबूत स्थिति में यहाँ, बीजेपी की लालटेन? हम मांझी कौन है? तो गया में ना हाँ तो दे चलो करेंगे उसको, भैया बनेंगे मंत्री हम। अच्छा तो देखिए लोगों में नाराजगी, और भी व्यक्ति हमारे साथ है, क्या क्या नाम है आपका? नाम जयप्रकाश तिवारी। 19 अप्रैल को वोटिंग है औरंगाबाद में, लोगों का मिजाज हम टटोल रहे हैं, क्या लग रहा है, कांटे का मुकाबला है यहाँ पे या क्या लग रहा है, बीजेपी पिछड़ रहे?
ये तो नहीं बता सकते, मगर इधर का विकास करीब नहीं होता। इधर सबसे मुफस्सिल में हम लोग थे तो उस समय भी पीछे रह गए, और इधर गुरुआ में चल गए, गुरुआ क्षेत्र में चल गए तो भी पीछे है। मतलब जो लास्ट बॉर्डर हो गया है हवा का है, मतलब औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो बॉर्डर एरियाज वगैरह वहाँ काम नहीं हुआ, बॉर्डर वाला कोई विकास नहीं होता, चाहे इधर का रहे चाहे उधर। पहले मुफस्सिल सुशील सिंह सर पिछड़ रहे हैं यहाँ से, ये तो हम ना बता सकते, उनका भाग जाना।